नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। रामनगर में डिग्री कॉलेज के सामने बाइक सवार की लापरवाही, उस पर भारी पड़ गई है। हादसे में एक कार ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी है। इसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। इस घटना में बाइक सवार की लापरवाही भी साफ नजर आ रही है। पहले तो बाइक सवार रॉन्ग साइड में बाइक चला रहा था और फिर उसने अचानक से अपनी बाइक को मोड़ लिया। वहीं पर इस दौरान तेजी से आ रही कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें दोनों बाइक सवार हवा में उछल गए। कार अनियंत्रित होने के चलते दूसरी ओर खड़ी बाइकों से भी जा भिड़ी। और देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। राजधानी के 400 से ज्यादा मेडिकल स्टोर्स पर पुलिस ने छापेमारी की है, जिनमें से बिना लाइसेंस चल रहे मेडिकल स्टोरों को बंद कर दिया गया है। चेकिंग के दौरान में 60 फर्जी मेडिकल स्टोर फर्जी पाए गए हैं और फर्जी मेडिकल स्टोर चलाने वालों की रिपोर्ट को स्वास्थ्य विभाग को भेज दिया गया है। और साथ ही जो फर्जी तरीके से बिना लाइसेंस के मेडिकल स्टोर चलाए जा रहे थे, उनको बंद कर दिया गया है और साथ ही इसकी रिपोर्ट भी भेजी गई है। तो ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और उत्तराखंड में डेंगू से शनिवार को एक मरीज की मौत हो गई। ये मौत नैनीताल में हुई है। राज्य में डेंगू के चलते 16 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। वहीं बीते 24 घंटे में डेंगू से 78 नए मरीज राज्य में सामने आए हैं। पौड़ी में सबसे ज्यादा 22 केसेज आए और बागेश्वर में 13 मरीज, चमोली में 5 और रुद्रप्रयाग में 4 केसेज सामने आए हैं। राज्य में फिलहाल डेंगू के 326 एक्टिव केसेस हैं। देहरादून में लगातार डेंगू के बढ़ते मामलों पर अब कांग्रेस ने नगर निगम पर सवाल उठाए हैं और आरोप लगाया है कि सिर्फ चालान आम जनता पर किया गया, जबकि डेंगू का लार्वा स्मार्ट सिटी के गड्ढों में भी पनप रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में इन दिनों कई जिलों में डेंगू का प्रकोप देखने को मिल रहा है और इसमें सबसे ज्यादा नाजुक हालत राजधानी देहरादून की है। कांग्रेस प्रवक्ता नवीन जोशी, जो डेंगू से पीड़ित हैं, जिन्होंने कुछ दिन पहले हॉस्पिटल से ही स्मार्ट सिटी के अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की बात कही थी और कई जगह डेंगू के लार्वा मिलने को लेकर नगर निगम भी जमकर चालानी कार्रवाई कर रहा है। जिस पर कांग्रेस सवाल उठाते हुए कहने लगी है कि देहरादून स्मार्ट सिटी तो नहीं बन सकी, लेकिन स्मार्ट सिटी के गड्ढों से डेंगू सिटी अवश्य बन गई है और नगर निगम को स्मार्ट सिटी के गड्ढों में तैयार हुए लार्वा पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। स्मार्ट सिटी कहते कहते डेंगू सिटी बना दिया देहरादून को खोद के। आपके घर में, मेरे घर में अगर लार्वा पकड़ा जाएगा तो हमको अर्थदंड लगेगा, लेकिन जिसने ये लार्वा की स्थिति लाई है, पूरा नगर खोद दिया है, उनके खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा? तो ये बड़ा और एडवाइजरी जारी करे, 10,000 प्लेटलेट्स से नीचे जिसके आ जाएंगे उसी को प्लेटलेट्स मिलेंगे, उसको ब्लड बैंक से मिलेगा। तो ये ऐसा काम हो रहा है, ऐसा लगता है अनुभवहीन लोग हैं या फिर संवेदनहीन लोग। वही कांग्रेस के द्वारा उठाए गए सवालों पर मेयर सुनील उनियाल गामा का कहना है कि कांग्रेस मुद्दों पर तो कभी बात ही नहीं करती,
जहां तक रही स्मार्ट सिटी की बात, तो वो दिसंबर तक स्मार्ट सिटी का काम पूरा हो जाएगा। डेंगू सिटी कहना कांग्रेस का काम है, और डेंगू पे जितना नियंत्रण जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने संज्ञान लिया है। मैं लगातार जो है क्षेत्र का भ्रमण भी कर रहा हूं, अधिकारियों के साथ भी जा रहा हूं, और जो स्मार्ट सिटी के जो गड्ढे हैं उनको भी भरने का काम चल रहा है। स्मार्ट सिटी का काम जो है नवंबर दिसंबर तक हमने इसको कंप्लीट करना है। स्मार्ट सिटी डेंगू का कारण हो ना हो, लेकिन देहरादून डेंगू से ग्रसित है और नगर निगम को साफ सफाई सहित फॉगिंग पर ध्यान देने की जरूरत है। न्यूज 18 के लिए सत्येंद्र परतवाल की रिपोर्ट। शनिवार को लंदन दौरे से वापस देहरादून पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी के स्वागत के दौरान बन्नू स्कूल में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। बीजेपी के तमाम बड़े नेता हेलीकॉप्टर के इतने पास पहुंच गए कि उसके रोटर के बंद होने का इंतजार भी नहीं किया। लिहाजा जब हेलीकॉप्टर के पंख घूम ही रहे थे, तभी तमाम नेता और मंत्री गणेश जोशी बिल्कुल सीएम धामी के पास पहुंच गए। जब कई नेता हेलीकॉप्टर की ओर बढ़े तो पुलिस की भी ढिलाई देखने को मिली, जिसके बाद बस एसपी देहरादून ने जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस ने माना है कि सीएम धामी की सुरक्षा में चूक की गई है। और उनको वेलकम करने के लिए काफी नजदीक पहुंच गए थे हेलीकॉप्टर, क्योंकि वहां पर काफी सारे महानुभाव भी थे और जिसमें हमारी पुलिस व्यवस्था भी थी, तो उनको समझाया भी गया था। लेकिन जो अति उत्साह में जो जिस तरह से कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हैं वो नियम विरुद्ध ठीक नहीं था, सुरक्षा को लेकर भी ठीक नहीं था। और इसमें एसपी सिटी के द्वारा जो है इसमें एक रिपोर्ट भी दी गई है और इसमें तत्काल इसमें जांच के आदेश दे दिए कि किन परिस्थितियों में वहां पर था, क्या ड्यूटी में कोई लैप्सेस थे कि नहीं थे। शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लंदन दौरे से वापस देहरादून लौट आए। लंदन में हुए भारी निवेश के एमओयू के चलते बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हेलीपैड पर सीएम धामी का जमकर स्वागत किया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अपने लंदन दौरे से लौटे सीएम पुष्कर सिंह धामी शनिवार को जैसे ही देहरादून पहुंचे, हेलीपैड पर ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों की थाप पर उनका स्वागत किया। इस मौके पर बीजेपी के कई नेता और मंत्री भी मौजूद रहे। लंदन में उत्तराखंड के लिए 12,000 करोड़ से ज्यादा की निवेश का एमओयू साइन किया गया। सीएम धामी ने कहा कि लंदन का दौरा उत्साहजनक रहा है, निवेशकों ने उत्तराखंड में निवेश की इच्छा जताई है और सरकार उनके लिए पर्याप्त सुविधाएं मुहैया कराएगा। 500 करोड़ के निवेश के करारों पर अभी साइन हुए हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे बड़े समूह ने उत्तराखंड में काम करने की इच्छा प्रकट की है, उन्होंने अपना निवेश करने के हमको प्रस्ताव दिए हैं और हमको उम्मीद है कि अब ये काम जो इन्वेस्टर ग्लोबल समिट जो हमने जिसका काम प्रारंभ किया है जो दिसंबर में होने वाली है उसमें बड़ी मात्रा में निवेशक उत्तराखंड आने के लिए तैयार हैं। लंदन में कई कंपनियों ने उत्तराखंड में निवेश के लिए एमओयू साइन किया है। लंदन से धाकड़ निवेश, 4500 करोड़ का कयान जेट समूह के साथ एमओयू, 2000 करोड़ का पोमा ग्रुप के साथ एमओयू, 1000 करोड़ का ऊषा ब्रेको के साथ एमओयू, 2000 करोड़ का आगर ग्रुप के साथ एमओयू, 1000 करोड़ फिरा बार्सिलोना के साथ एमओयू, 1500 करोड़ का अन्य कंपनियों के साथ एमओयू। वही वित्त मंत्री ने सीएम धामी की तारीफ करते हुए कहा कि लंदन में हमें अच्छी सफलता मिली है और उम्मीद है आगे भी और भी ज्यादा निवेश हम ला सकेंगे। मैं ये कह सकता हूँ कि पूरे देश के अंदर घूम घूम के और विदेशों में भी जिस प्रकार से उन्होंने लोगों को अपनी बातों से तमाम चीज़ों से उन्होंने कन्विंस किया और बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट जो दिसंबर में यहाँ होने जा रहा है उसमें उधर से आने वाला है और हम उम्मीद कर रहे हैं अभी आने वाले टाइम पे, अभी हमारे पास समय है और माननीय मुख्यमंत्री जी का और भी अनेकों जगह इस प्रकार का दौरा होना है। दिसंबर में उत्तराखंड इन्वेस्टर समिट होना है जिसके लिए करीब 2.5 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। अभी सीएम धामी के देश और विदेश में अभी कई और रोड शो बाकी है। उम्मीद है कि उत्तराखंड में अच्छा निवेश देखने को मिलेगा। न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट।
और आज हल्द्वानी दौरे पर रहेंगे सीएम धामी। सुबह 10 बजे हल्द्वानी पहुंचेंगे सीएम धामी। स्वच्छता कार्यक्रम में सीएम धामी हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर समीक्षा करेंगे। कुमाऊं मंडल के अधिकारियों के साथ भी समीक्षा करेंगे। स्वर्गीय पूरन शर्मा के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे सीएम। हरिद्वार में फर्जी डीएम बनकर नौकरी का झांसा देकर लाखों रुपए ठगने वाले नटवरलाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने पड़ोस के रहने वाली एक युवती को एसडीएम बनवाने का झांसा देकर 70 लाख रुपए ठगे थे। पुलिस ने मुख्य आरोपी निहार कर्णवाल समेत उसके दो साथियों निखिल बेनीवाल और निशांत गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। एक निहार करके लड़का है जो रानीपुर मोड़ का रहवासी है। इसने ज्वालापुर में लगभग 70 लाख रुपए डिमांड किए थे सरकारी जॉब देने के बहाने से। जब 70 लाख रुपए दे नहीं पा रहे थे तो एक मकान का उसने गिफ्ट डीड करवाया अपने नाम पे और जो है उनसे ठगी करी। तो इसमें मुकदमा दर्ज हुआ है और इसमें अभी 3 लोग अरेस्ट हुए। और कोटद्वार के एक शख्स से 9 लाख की ठगी करने वाले पुलिस ने गिरफ्तार उसको कर लिया है। लंदन का वीजा दिलाने के नाम पर आरोपी ने 9 लाख रुपए की ठगी की थी। वहीं पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को कर्नाटक से गिरफ्तार कर लिया है। लंदन का वीजा दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी। कर्नाटक से आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक बड़ी कामयाबी पुलिस के लिए। एक शख्स से 9 लाख रुपए की ठगी की गई थी। काशीपुर में पुलिस और वन विभाग की टीम ने एक संयुक्त ऑपरेशन में 2 फीट 8 इंच लंबे हाथी दांत के साथ में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। बरामद हाथी दांत की कीमत करीब 12 लाख रुपए आंकी जा रही है। मामला आईटीआई थाना क्षेत्र का है। एसटीएफ की टीम ने 1 लाख के नामी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पिछले 14 सालों से आरोपी फरार चल रहा था, जिसे एसटीएफ ने फरीदाबाद से अरेस्ट कर लिया है। लंबे समय से फरार चल रहा था आरोपी प्रकाश पंत ने जमीनी विवाद के चलते अपने सगे चाचा की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद से आरोपी फरार चल रहा था। आरोपी अपनी पहचान छिपाकर फरीदाबाद में रहता था। इसी क्रम में एक बड़ी सफलता हमारी देहरादून एसटीएफ की टीम को हासिल हुई है। इसमें 2009 में जो ये अपराधी था, 1 लाख रुपए का इस पर इनाम था प्रकाश पंत, इसके द्वारा अपने चाचा की हत्या की गई थी। ये जो घटनाक्रम था ये लालकुआ नैनीताल थाना क्षेत्र का था और घटना के बाद से लगातार फरार था, पकड़ा नहीं जा सका था और ये अपनी आइडेंटिटी चेंज करके रह रहा था अलग अलग स्थानों पर, अपने परिवार से भी संपर्क में नहीं था। तो लगातार इसमें जो जिला पुलिस है और एसटीएफ इसको पकड़ने के प्रयास में लगी हुई थी और इसको 14 साल के बाद में पकड़ा जा सका है और 1 लाख रुपए का इनाम था, तो एक बड़ी सफलता है एसटीएफ का। रुड़की में 2 महिलाओं ने मनचलों की धुनाई कर दी। आरोप है कि बाइक सवार युवकों ने महिलाओं पर अश्लील टिप्पणी की थी, जिसके बाद में दोनों ने बीच सड़क पर दोनों युवकों की पिटाई करना शुरू कर दिया और दोनों युवकों पर जमकर थप्पड़ बरसाए। युवकों की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के बोट क्लब के पास का ये मामला है। बागेश्वर में एक शख्स ने घर में घुसकर अकेली बीमार महिला के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। वहीं पर पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पीड़िता के पड़ोस में रहता है। कोतवाली बागेश्वर में एक व्यक्ति तहरीर लेके आया कि उसकी पत्नी जो गड़िया चौड़ा गांव की निवासी है वहाँ पर अपने घर पर थी और वो बीमार थी, तो एक पड़ोसी इनका जो दूर का रिश्तेदार इनका है, ये दवाई देने के बहाने इनके घर पे आया और उसके बाद उसने उसकी पत्नी के साथ दुष्कर्म किया।
हरिद्वार में ईद का जुलूस निकालने के दौरान भड़काऊ गाना बजाने पर पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया। 28 सितंबर को ईद मिलाद उन नबी के मौके पर पथरी थाना क्षेत्र में धनपुरा गांव में जुलूस निकाला जा रहा था। इस दौरान में डीजे पर असदुद्दीन ओवैसी का भड़काऊ भाषण वाला गाना भी बजाया गया, जिसकी शिकायत पर एक्शन लेते हुए पुलिस ने सोहेल, साकेब, मोहसिन और साथी सनी नाम के चार युवकों को गिरफ्तार कर लिया। चारों युवक धनपुरा गांव के रहने वाले हैं। साउंड क्लिप चलवाई थी डीजे पे, जिसके वजह से ग्रामवासियों ने उसके ऊपर आक्षेप जताते हुए कार्रवाई की मांग की थी। तो उप निरीक्षक जो हमारे हैं वहाँ पे, उन्होंने जब इसमें पूछताछ की तो उनको ये इस बात की पुष्टि हुई, तो उसके बाद उनको 151 में हमने गिरफ्तार करके आज उसमें 30 तारीख को। रुड़की में आए पाकिस्तानी जायरीनों को गंगा जल, भगवत गीता और रुद्राक्ष की माला भेंट की गई है। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने सभी ये वस्तुएं भेंट की। जायरीन पाकिस्तान के मंदिरों में पुजारियों को गंगा जल और भागवत गीता सौंपेंगे। प्राण कलियर के उर्स में पाकिस्तान से 108 जायरीनों का जत्था आया हुआ है, जो रविवार को अपने देश वापस लौटेगा। वहां के मंदिरों में सौंपते हुए अभी रोक कर हमने गिफ्ट के रूप में श्रीमद् भगवत गीता, गंगा जली, रुद्राक्ष की माला, हिंदी, उर्दू और संस्कृत भाषा में इनको भेजा है, सम्मान भेंट की है। और मुझे लगता है ये सिर्फ भेंट नहीं है, ये हमारी इज्जत है। हमने अपनी इज्जत पाकिस्तान के आए हुए जायरीनों के हवाले की है और हमें उम्मीद है कि इज्जत की लाज रखेंगे और सह सम्मान हमारे मंदिरों तक, क्योंकि ये हमारे आस्था का विषय है, इसे सह सम्मान वहां पहुंचाएंगे, इन्होंने वादा किया है। रामनगर के भवानीगंज में एक अनूठी रामलीला का मंचन किया जा रहा है। अपना गोल्डन जुबली वर्ष मना रही इस रामलीला की क्या खासियत है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। रामनगर में इन दिनों रामलीला का मंचन हो रहा है। ये रामलीला एकमात्र ऐसी लीला है जिसका मंचन श्राद्धों में होता है। पितृ पक्ष में होने वाली इस लीला में डायलॉग हिंदी में होते हैं, जिससे आसानी से ये दर्शकों की समझ में आ जाते हैं। इस लीला में दर्शकों को बांधे रखने के लिए फिल्मी गानों का भी सहारा लिया जाता है। गोल्डन जुबली साल होने के चलते इस बार सभी पुराने कलाकार इस रामलीला मंचन के पात्र बने हुए हैं। जो पहले भीमताली आदि में भी रामलीला होती थी हमारे यहाँ बहुत सारी, लेकिन अब हमने सरल भाषा में जो है हिंदी में उसके सारे डायलॉग बदल दिए हैं। इसमें जनता को बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा है, क्योंकि सरल है, समझ में आ जाती है लोगों की। चौपाइयाँ जरा थोड़ी सी क्लिष्ट हो जाती हैं, लेकिन चौपाइयाँ हैं, लेकिन अवसर अवसर पर हैं वो बात खास तौर से, और बाकी सारी रामलीला बड़ी सरल भाषा में हमारे यहाँ होती है। भवानीगंज में हो रही अनूठी रामलीला के सभी पात्र रामलीला के दिनों में कई नियमों का भी पालन करते हैं, जिससे रामलीला की पवित्रता बनी रह सके। 50वां वर्ष है रामलीला को। हम लोग रामलीला का जब वनवास का अवधि आती है, तो उस वनवास की अवधि में हम लोग घर नहीं जाते हैं, जंगलों में भ्रमण करते हैं और जो है अन्न नहीं खाते हैं, फलार लेते हैं, फल और दूध लेते हैं, और फल और दूध लेकर के हम उसे अपना व्रत खोलते हैं और वनवासी वस्त्र ही पहनते हैं, जमीन पर सोना, और जो है जितना भी हमसे हो सकता है उतना हम पूरा करते हैं। नवरात्र में यूं तो रामलीलाओं का दौर चल पड़ेगा, लेकिन पितृपक्ष की रामलीला वाकई कई मायनों में लाजवाब है, जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग उमड़ते हैं। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। न
न्यायपालिका में पारदर्शिता लाने और जन विश्वास बढ़ाने के लिए नैनीताल के भवाली में उत्तराखंड राज्य न्यायिक एवं विधिक अकादमी में जजों के मंथन शुरू हो गए हैं। दो दिन तक चलने वाले इस नॉर्थ जोन जजों के सम्मेलन का उद्घाटन राज्यपाल गुरमीत सिंह ने किया। न्यायिक सुधारों के लिए महत्वपूर्ण समकालीन न्यायिक विकास कानून और प्रौद्योगिकी के माध्यम से न्याय की मजबूती विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कई जजेस शामिल हुए। इसके अंदर जो मंथन होगा उसके अंदर में कि किस प्रकार के हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को जुडिशरी के साथ मिलाएं, मुझे ऐसा लगता है ये बहुत सुंदर अवसर है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने एक हमको अपना एक रूप दिखाया था जब कोविड हुआ था, उस वक्त में किस प्रकार से हमने ऑनलाइन और किस प्रकार से अपने पूरे जुडिशियल सिस्टम को एक नए नजरिए से देखा था। 2000 के नोट को लेकर एक जरूरी जानकारी, अब 7 अक्टूबर तक 2000 के नोट बदले जा सकेंगे। रिजर्व बैंक के नोट बदलने का जो समय है वो बढ़ा दिया गया है। वहीं राजधानी देहरादून के अलग अलग थानों में जमा अलग अलग मुकदमों में 1 करोड़ से अधिक के 2000 के नोट बदले गए हैं, जिसके लिए दून पुलिस ने कोर्ट से परमिशन लेकर 1 करोड़ रुपए के 2000 के नोटों को बदला है। सभी को जो हमारे जनपदों में जहां जहां माल के रूप में 2000 के नोट थे सभी को नियमानुसार कोर्ट की परमिशन लेकर एक अकाउंट खुलवाने के बाद उसमें जमा कर दिया गया कि क्योंकि कोर्ट का जब केस का निस्तारण होगा और अगर वो विक्टिम को जाना हो पैसा या कहीं सरकारी इसमें माल खाने में जमा होना हो तो कम से कम वो उस समय कोई लीगल दिक्कत ना आए, तो उसको देखते हुए 1 करोड़ से ज्यादा के जो हमारे माल थे 2000 के नोट थे उसको विधिवत जो है अकाउंट में जमा कर दिया गया। रानीखेत के कुमाऊं रेजिमेंट केंद्र के सोमनाथ मैदान में शनिवार को पासिंग आउट परेड में 282 अग्निवीर सेना का हिस्सा बन गए और इन सभी जवानों को कुमाऊं और नागर रेजिमेंट के अलग अलग बटालियन में तैनात किया जाएगा। सैनिकों ने गर्व और समर्पण के साथ देश की सेवा करने और भारतीय सेना के मूल्यों को बनाए रखने की शपथ भी ली। मुख्य अतिथि ब्रिगेडियर इसमें शामिल हुए। ब्रिगेडियर गौरव भल्ला ने सलामी ली है परेड की। सोमनाथ मैदान में पासिंग आउट परेड की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अभी प्राउड फील कर रहा हूँ अपनी फैमिली के लिए और अपने ऑल ओवर इंस्ट्रक्टर साहब के लिए और मेन है अपनी कंट्री के लिए। अभी मैंने 2 मेडल लिए हैं अभी राइट नाउ, एक ड्रिल का एक ओवरऑल का, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है ऐसा नहीं है, लेकिन मेरी ट्रेनिंग मेरी कंट्री के लिए मेरा प्राउड वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और चलिए अब आपको पहाड़ से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरें दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। ऋषिकेश के शिवपुरी कैंप में अवैध शराब पिलाए जाने पर पुलिस ने काटा 2 कैंप का चालान, दोनों के संचालकों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। देहरादून के त्यागी रोड पर शनिवार रात हुए आपसी विवाद में चली गोली, गोली लगने से लूडर चालक गंभीर रूप से घायल हुआ, पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। हरिद्वार में आक्रोशित किसान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पंजाब सरकार का पुतला फूंका और सुखपाल खेरा की रिहाई की मांग की। यूथ कांग्रेस ने विभिन्न मांगों को लेकर पिथौरागढ़ डीएम ऑफिस में प्रदर्शन किया। बीस अस्पताल का संचालन नहीं होने और नैनीसैनी एयरपोर्ट से नियमित उड़ान शुरू नहीं होने से नाराज है। रुड़की में नेशनल चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें 22 राज्यों के करीब 400 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। देहरादून में आयोजित अंडर 14 राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में जोशीमठ के 4 खिलाड़ियों ने 4 मेडल जीते, जोशीमठ में खिलाड़ियों का स्वागत हुआ। उत्तरकाशी के धोंतरी इलाके में जाने वाली पेयजल लाइन में टैंक में लंबे समय से एक पेड़ टूटकर गिरा हुआ है, लेकिन जल संस्थान के ने पेड़ को हटाने की जहमत नहीं उठाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को देश के आकांक्षी ब्लॉकों के लिए संकल्प सप्ताह का वर्चुअली शुभारंभ किया है। बागेश्वर का कपकोट ब्लॉक को भी आकांक्षी विकास खंड घोषित किया गया। दिल्ली में होने वाले पेंशन शंखनाद महारैली में शामिल होने के लिए बागेश्वर के कर्मचारी भी रवाना हुए, आज जंतर मंतर पर धुमा होगा। केदारनाथ यात्रा पर आए कर्नाटक के दंपति भीड़ की वजह से बिछड़ गए थे, पुलिस ने दोनों को फिर आपस में मिलवाया।